दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं हैं ऑटोमेटिक और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ में। काऊ का अलग है और बफेलो का, दोनों का अलग अलग रखा है इन्होंने। दोस्तों देख पा रहे हैं किस प्रकार से पानी की व्यवस्थाएं हैं, प्रत्येक काऊ के लिए अलग अलग पानी यहाँ पर रखा गया है। हाँ सर, ये कितना दूध देती है? 8.5 लीटर। 8.5। ये कितने की खरीदी थी आपने? ये मैंने 1.35 की खरीदी। 1.35 की। और ये वाली कितना देती है सर? ये भी 8 लीटर दूध देती है। 8 लीटर। ये कितने में खरीदी सर? ये मैंने 85 की खरीदी। 85 में खरीदी। हाँ जी सर। टोटल भैंसे कितनी है सर अभी? टोटल भैंस अभी 20 हैं। 20 हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ इंदौर ज़िले में। दोस्तों बहुत ही अच्छा और सफल डेयरी फार्म है, और किस प्रकार से अपना फार्म का मैनेजमेंट चलाते हैं, कितने पशु हैं, क्या ये फीडिंग में खिलाते हैं और कितना बचा पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अपने फार्म पर दिवाली के त्यौहार के चलते आप साफ सफाई रखें, अपने गाय को, अपने भैंस को, जितने भी अपने धन हैं उनकी अच्छे से पूजा करें ताकि हमारा वर्ष अच्छे से निकल पाए। दोस्तों आइए मिलवाता हूँ सर से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश डाबी जी। सर अपना फार्म कहाँ पर है ये? मेरा फार्म सिमरोल कजलीगढ़ रोड पे है। अच्छा सर, कितने पशु हैं अभी आपके पास? मेरे पास में अभी लगभग 35 से 40 पशु हैं। 35 से 40 पशु। हाँ। कितनी गाय और कितनी भैंस हैं सर? इसमें मेरे पास अभी 20 भैंस है। हाँ। और 10 गाय है, बाकी अन्य पशु भी है। और अच्छा सर, कितने समय से चलाते आ रहे हैं सर ये फार्म आप? मेरे को अभी मतलब मैं तो अभी खुद 9-10 साल से चला रहा हूँ जी। इसके पहले मेरे पिताजी चलाते थे। हाँ। अभी पूरे फार्म को चलाने में कितने लोग काम करते हैं आप? अभी हम इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं। तीन लोग काम करते हैं, पूरा काम कर लेते हैं 3 लोग इसमें। टोटल पशु कितने बताए सर आपने? टोटल पशु मेरे 35 से 40 है, कुछ छोटे पशु भी है। अच्छा। पर बड़े पशु मेरे पास में 20 भैंस है। हाँ। और 10 गायें हैं जी। सर अभी कितने मिल्किंग में दूध कितने दे रहे हैं? दूध मेरे पास अभी 24 जानवर है। 24 जानवर दूध दे रहे हैं। अच्छा, कितना दूध हो पा रहा है सर दोनों टाइम का? दोनों टाइम का दूध अभी मेरा हो जाता है 220-215 लीटर। 220-215 लीटर। कितने पशुओं का? 24 पशु। 24 पशुओं का। क्या रेट में जाता है सर ये दूध? अभी मेरा 48 रुपये लीटर। गाय भैंस दोनों का मिक्स जाता है? दोनों का मिक्स जाता है। अच्छा, महीने की बिलिंग की बात करें तो कितने का महीना आपका एक महीने का बिल बन जाता है? कम से कम 3 से प्लस हो जाता है। 3 लाख? हाँ, 3 से प्लस। इसमें खर्चा कितना हो जाता है सर? इसमें खर्च मेरी डेयरी में अभी आज की कंडीशन में 1,60,000, मतलब 1,60,000 रुपये के आसपास मेरा खर्चा। अच्छा, मतलब आधा खर्चा हो जाता है। हाँ। और आधा बच जाता है। अब उसमें क्या है? हाँ। उसमें बाकी फिर पशुओं का मेंटेनेंस भी देखना पड़ता है, भाई कोई पशु जैसे रिजेक्ट हो गया है जी, है ना, ये चीज़ें भी उसमें मेंटेन करना पड़ता, वो एक अलग है। पर मेरा जो मतलब इनका फीडिंग कास्ट और भूसा है। हाँ। ये इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जी। इसमें मेरा 1,60,000 है। सर अभी कोई गंभीर बीमारी या कोई रोग आपके फार्म पर? मेरे फार्म पे इस साल में अभी ऐसी कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, सिर्फ एक लंपी वायरस में एक ही गाय आई थी मेरी। हाँ। वो भी मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही ठीक कर ली थी। कौन सी गाय है सर वो? वो ये पास में बंधी हुई ये जो गाय है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ब्लैक जो काऊ है इसको लंपी हुआ था और कवर भी हो गई है। 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने इसको कवर भी कर ली थी जी, और बढ़िया दूध भी वापस अभी देने लग गई। सर आपके फार्म पर कभी थनेला रोग होता है? हाँ, थनेला रोग की शिकायत मेरे फार्म पर होती है। हाँ। क्या करते हैं आप फिर? मैं तो देखो उतना मेरे को अनुभव नहीं है, नहीं मतलब था, तो मैं हमेशा मतलब डॉक्टर की सलाह से काम करते हैं, इलाज करवा के लेता हूँ मैं। अच्छा, है ना। सर ये बताएं ये सेट कितने बाई कितने का फार्म बना हुआ है आपका? 65x54 में बना हुआ है। आपका फार्म 65x54 में? 65x54 में बना हुआ है। इसमें इनका जो आहार स्टॉक करते हैं भूसा वो भी आ गया? नहीं, वो अलग है एरिया। वो अलग एरिया है। सर आप खुद की ब्रीड तैयार करते हैं, नई ब्रीड या बछड़ियाँ तैयार की है आपने? मैंने देखो अभी पिछले 8-9 साल में तो सिर्फ इतने पशुधन करे हैं, बाकी मैंने अभी इसी साल में मैंने अभी 5 केड़ियाँ तैयार करी है। अच्छा। जो पास में बंधी हुई है अभी इधर। दोस्तों आपको वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार के इनके एनिमल हैं, प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक एनिमल की अलग अलग डिटेल देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें जी। सर ये बताएं कि अभी सबसे बेहतर बिजनेस गाय का रहेगा या भैंस का रहेगा आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से तो
अगर पशुधन अच्छे संभाल ले तो गाय का बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। उसमें ऐसा क्यों है? उसमें क्या है, बछड़ी अगर तैयार होगी हाँ तो ही अपन इस धंधे में सक्सेसफुल सक्सेस हो पाएंगे। अगर अपन सोचे कि केवल दूध से हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। जी जी जी। और सर ये बताएं कि गायों में कौन सी ब्रीड रखें? अभी यार मेरे हिसाब से तो एचएफ ब्रीड से अच्छी कोई ब्रीड नहीं है। मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करती है? मिल्क का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करता है, ज़्यादा करती है, केड़ियाँ भी जल्दी तैयार हो जाती है अगर अच्छी फीडिंग हो तो। अभी आपके पास गायें कहाँ से खरीदी है आपने? मैंने देखो अभी तक मैं मतलब बाहर से कभी गायें खरीदी नहीं है, अपनी लोकल गायें मैं अभी तक चला रहा था लोकल। हाँ, इंदौर के आसपास से ही मैंने लोकल गायें ली है जी। पर अब मेरी एक सोच है कि थोड़ा सा एक अच्छी ब्रीड पे मैं काम करूं आने वाले समय में, और लाने की भी इच्छा है कि इस साल में मैं अभी 2-4 गायें कम से कम अच्छी ब्रीड की लेके आऊं, और उसके बाद में मैं केड़ियों की एक और अच्छी बेहतर तैयार करें। हाँ सर, ये बताएं कि शुरुआत में कितने पशु थे आपके पास और कितने पशु से स्टार्ट किया था आपने? मेरे पास 2009 में जैसे पापा के पास में दो एक भैंस थी और दो गायें थी जी, करते रहते थे ये इनके हिसाब से। फिर 2013 में मैंने मेरे हिसाब से काम इसको बढ़ाया। हाँ, इसको बढ़ाया। सर अगर नए युवा इस फार्म में आना चाहते हैं या डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से शुरुआत करें और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो एक सफल डेयरी फार्मर बन पाएं? देखो इस धंधे में क्या है कि सबसे ज़्यादा अनुभव काम करता है जी। ये धंधा पूरा अगर अनुभव हो तो ही सक्सेस आदमी कर सकता है। पहले कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, जरूरी है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर ये चीज़ अगर आदमी के पास नहीं है तो इसमें आदमी फेल हो जाता है। अच्छा अच्छा, है ना, ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है इसमें। प्लस सर आपने भैंस कहाँ से खरीदी है? भैंस में देखो 2-4 साल पहले मारवाड़ से भी भैंस लेकर राजस्थान से जी, जालौर जिले से भी लाया हूँ, उधर भोपालगढ़ से भी लाया हूँ। सक्सेस हुई है भैंस? भैंसे सक्सेस है, भैंसेस राजस्थान की बढ़िया सक्सेस है, जालौर जिले की सबसे ज़्यादा सक्सेस है जी। सर अभी ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कितना देती है आपके पास, जिसका रिकॉर्ड है कि हाँ अच्छा? मेरे पास अभी 8.5 लीटर पर टाइम की भैंस है, दो भैंस है 16-17 लीटर डे की। हाँ, पर वो दो भैंस मैं गुजरात से लेके आया था। कौन सी ब्रीड है वो? जाफरी। जाफरी है, जाफरावादी है वो। सर जाफरावादी ठीक रहती है या मुर्रा ठीक रहती है आपके हिसाब से? दोनों हैं आपके पास? दूध की क्वालिटी की अगर बात करें तो जाफराबादी भैंस बढ़िया है, और अगर कास्ट की बात करें तो थोड़ी सी जाफराबादी महंगी पड़ती है, लेकिन और मुर्रा भैंस से मिल्क का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। मिल्क का उत्पादन अच्छा है, टेस्ट भी बढ़िया है उसका, उसका फेट भी ज़्यादा है जी। सर अभी फीडिंग में क्या दे रहे हैं आप? फीडिंग में मैं अभी फिलहाल में खली और घर का दलिया बना के खिलाता हूँ जानवरों को। दलिये में क्या क्या मिक्स करते हैं? दलिये में मैं गेहूँ हुआ, मक्का हुई, बाजरा हुआ और ज्वार, ये चार चीज़ें मैं मिक्स करके हमेशा चलाता रहता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप डेयरी फार्मिंग में हैं तो एक यदि सफल फार्मर हैं तो अपने पशुओं को टोटल मिक्स राशन करके दें, किस प्रकार से हमें उससे फीडिंग करानी है। दोस्तों हमारी कोशिश हो, हमारा प्रयास हो कि अपने पशु को हम हरा चारा जरूर उसमें उसकी डाइट में ऐड करें। दोस्तों हरे चारे में काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं जिसकी वजह से दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। दोस्तों दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें पशुओं को हरा चारा देना चाहिए। कोशिश हमारी ये रहे कि हम हरा चारा दें, अगर हरा चारा अवेलेबल ना हो तो हम उसे साइलेज के रूप में दे सकते हैं। सर ये बताएं कि अभी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कितना दूध देती है आपके पास? मेरे यहाँ अभी फिलहाल आज की स्थिति में 11 लीटर एक गाय दूध देती है। पर टाइम का? पर टाइम का। वो कहाँ से खरीदी आपने? वो भी मैंने यहीं लोकल में ही ली थी। अच्छा, है ना। बाकी उसके बाद और भी गायें हैं, 8-9 लीटर की गायें भी हैं, 6-7 लीटर से ऊपर है और 11 लीटर से अंदर है, इस एवरेज की मेरे पास गायें, इससे बड़ी गायें नहीं मेरे पास। दोस्तों आइए वीडियो में अंत तक बने रहें, किस प्रकार से सर का डेयरी फार्म है, कहाँ पर इन्होंने भूसा रखा है, कहाँ फीडिंग रखी है और किस प्रकार के बॉडी स्ट्रक्चर के इनके एनिमल हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको मैं विजिट कराता हूँ सर का डेयरी फार्म। हाँ सर, ये कितना दूध देती है? 8.5 ये कितने की खरीदी थी आपने? ये मैंने 1.35 की खरीदी। 1.35 की। और ये वाली कितना देती है सर? ये भी 8 लीटर दूध देती है। 8 लीटर। ये कितने में खरीदी सर? ये मैंने 85 की खरीदी। 85 में खरीदी। हाँ जी सर। टोटल भैंसे कितनी है सर अभी? टोटल भैंस अभी 20 हैं। 20 हैं। हाँ। मुर्रा भी हैं? हाँ, मुर्रा है, दो जाती हैं, बाकी सारे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बफेलो के बॉडी स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग कराते हैं सर, काफ़ी अच्छे रख रखाव के साथ, डेयरी फार्म का मैनेजमेंट भी अच्छा है सर। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा फार्म बना रखा है, आ जाओ। दोस्तों देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से शेड बनाया गया है,
पंखे फैन सारे चालू हैं यहाँ पर। सर ये कौन सी खली है? कपासिया। कपासिया खली है। अच्छा कहाँ से खरीदते हैं आप? ये बढ़वा से आती है। बढ़वा से आती है। क्या रेट में आती है सर? अभी ये 2400 रुपये की रेट की आई। 2400 रुपये की रेट की। 70 किलो। अच्छा अभी रेट ठीक है या बढ़े हुए हैं? रेट अभी ठीक है, 2600 रुपये था वैसे पहले। हाँ हाँ, 150 रुपये के लगभग कम। और इसके साथ क्या देते हैं आप? इसके साथ में वो घर का दलिया चोकर। चोकर देते हैं। दोस्तों देखिए किस प्रकार से जो इनके बच्चे हैं काफ है उनको किस प्रकार से रखा गया है, और बहुत ही बढ़िया मेंटेनेंस के साथ डेयरी फार्म चलता है दोस्तों यहाँ पर। हाँ सर ये बताएं, ये स्टॉक कितनी गाड़ी किया था आपने? मैंने सर 6 गाड़ी स्टॉक किया था। 6 गाड़ी स्टॉक किया था। अभी लगभग 6 गाड़ी में काम हो जाएगा आपका? नहीं होगा 6 गाड़ी में, इसके अलावा भी और स्टॉक कर रखा है। अच्छा इसके अलावा भी और कर रखा है? इसके अलावा गेहूँ का भूसा और अलग रखा। दोस्तों ये कुटी की मशीन है जिससे हरा चारा क्रैश करते हैं। हाँ सर इसका कितना बताया आपने, मिल्क प्रोडक्शन कितना देती है ये? ये अभी हाँ ये वाली, हाँ 8 लीटर से ऊपर ही है दूध इसका। 8 लीटर एक टाइम का? एक टाइम का जी। 16 लीटर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है सर का।